दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी टैक्स पेयर ने फर्स्ट टाइम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है और उसे ईमेल आई है जीएसटी डिपार्टमेंट से यूज़र नेम और पासवर्ड की, तो उसे कैसे लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे। तो दोस्तों, आपको gst.gov.in पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन पे प्रेस करना है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करना है, जो कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है ईमेल में। आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन की ऑप्शन दी गई है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको वो जीएसटी नंबर एंटर करना है जो कि आपको ईमेल पे रिसीव हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर करना है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको ईमेल में भेजा है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और लॉगिन पे प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको अपना नया यूज़र नेम एंटर करना है। तो जो यूज़र नेम आपको एंटर करना है वो 8 to 15 करेक्टर का होना चाहिए, जो कि अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, और जिसमें कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स, डॉट हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर हाइफन हो सकता है। और उसके बाद आपको नया पासवर्ड एंटर करना है, ये भी 8 to 15 कैरेक्टर का हो सकता है, जिसमें के कम से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए यानी कि कैपिटल लेटर में, और एक लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और आप रिकन्फर्म करेंगे इसी पासवर्ड को और सबमिट करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से और कैप्चा कोड एंटर करके जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले आपसे जो कोर बिजनेस की आइडेंटिटी है वो पूछी जाएगी कि क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर अदर हैं। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली रेडियो बटन से जो है वो चूज़ कर लीजिए। जैसे कि यदि आप यहाँ पे ट्रेडर चूज़ करेंगे, तो आप होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर रिटेलर हैं, ये पूछा जाएगा, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में ये ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, तो माय प्रोफाइल में जाके आप कोर बिजनेस एक्टिविटी का जो स्टेटस है वो चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी रूल के अंतर्गत आपको बैंक अकाउंट भी अपना अपडेट करना होता है 45 डेज़ के अंदर, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है, या फिर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल होते हैं, इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो। तो आपको 45 डेज़ के अंदर जब आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर अपडेट करना है, अदरवाइज़ आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल किया जा सकता है दोस्तों। यदि आप बाद में अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको सर्विस टाइम में जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं बैंक अकाउंट, इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैंक यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक बैंक यदि आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड न्यू करके यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या करंट अकाउंट है, सेविंग है, सीसी या अदर है। यहाँ पे आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, और मैक्सिमम 1 MB का साइज़ हो सकता है। आप फर्स्ट पेज जो है बैंक पासबुक की वो अपलोड कर सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि टैक्स पेयर का नाम जो है वो लिखा हो दोस्तों। उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है, इसके लिए आप सर्विस टाइम में जाना है, यूज़र सर्विस में जाना है, और यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट पे प्रेस करना है। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई नोटिस इशू किया जाएगा, तो उसे देखने के लिए आप सर्विस टाइम में जाके, यूज़र सर्विस में जाके यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी नोटिस होगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपको दिया गया होगा, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यदि आपको कोई एडिशनल नोटिस या ऑर्डर इशू किया गया है, तो सर्विस में जाके, यूज़र सर्विस में जाके आप व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर देख सकते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या फिर सर्विस का, तो सबसे पहले आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी होती है कि बिना जीएसटी की पेमेंट के आप एक्सपोर्ट कर सकें, तो यहाँ पे आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली चूज़ करना है जिसके लिए कि आप LUT फाइल कर रहे हैं,
जैसे कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं। यदि आपने पिछले साल भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल की थी तो आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में, मैक्सिमम 2 MB का साइज अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो आप LUT फाइल करते हैं इसका मतलब है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो आप गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करेंगे बिना GST की पेमेंट के वो विद इन द टाइम सप्लाई करेंगे, जैसा कि GST रूल में दिया गया है। इसके अलावा आप GST की जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, और यदि आप फेल करेंगे गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करने में तो उस केस में आप 18% इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे, जो टैक्स पेबल होगा डेट ऑफ इनवाइस लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे विटनेस के नेम जो है ऑक्यूपेशन और एड्रेस भी देना होगा। 2 विटनेस का जो है यहाँ पे डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ फाइलिंग LUT देख सकते हैं, प्लेस ऑफ फाइलिंग LUT दे सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके और प्लेस एंटर करके LUT फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका मंथली होता है GST रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन, लेकिन आप इसे क्वार्टरली कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, यहाँ पे जो ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न इस ऑप्शन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे, सर्च पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मंथली आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो है क्वार्टरली ऑप्शन यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि आपको क्वार्टरली ही GST 1 या GST 3 भी फाइल करनी पड़े। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने फर्स्ट टाइम GST की रजिस्ट्रेशन ली है तो आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि जब आप GST की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गए थे तब से लेके जिस दिन आपको GST की रजिस्ट्रेशन दी गई है उस दिन तक की जो डिटेल है आपको फर्स्ट रिटर्न में दिखानी है। इसके अलावा दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने नया GST नंबर लिया है उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें जो GST नंबर दिया गया है उसका उन्हें मेंशन करना है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो उन्होंने बोर्ड लगाया है उसके ऊपर। इसके अलावा उन्हें जो GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है वो भी उन्हें डिस्प्ले करना है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपको GST नंबर दिया गया है यदि आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लिया है जब आप GST लेने के लिए लायबल थे, मान लीजिए आपकी 20 लाख की टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो गया 1 नवंबर को और आप 29 नवंबर को अप्लाई कर देते हैं, 1 नवंबर से ही GST सर्टिफिकेट जो वैलिड माना जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि आप 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो GST का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा जिस दिन GST की रजिस्ट्रेशन ग्रांट की गई है। दोस्तों, आप GST की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सर्विस टाइम में जाके रिटर्न में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फाइनेंशियल चूज़ करेंगे, क्वार्टर चूज़ करेंगे और पीरियड जो है वो चूज़ करेंगे और सर्च ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। और यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो सर्विस रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप को ये कॉम्प्लायंस करनी है यदि आपने फर्स्ट टाइम GST का रजिस्ट्रेशन लिया है। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Sabir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।